बच्चों के टिफ़िन में कुछ स्पेशल हो बनाना या फिर सुबह शाम के नाश्ते में कुछ चटपटा हो खाना, तो सिर्फ एक कटोरी चावल का यूज़ करके यह रुई के जैसा सॉफ्ट फ्लफी नाश्ता जरूर बना लेना। यकीन से कहती हूँ, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बार बार वो ज़रूर आपसे यह बनवाएंगे। इसके साथ आज हम बनाएंगे यह चटपटी से टमाटर की चटनी, जिसके आगे बच्चे टोमेटो सॉस खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल को अच्छी तरह से धो के रात में भिगो दिया था, जिससे यह सुबह अच्छी तरह से फूल गया है। यदि आप रात में न भिगो पाएँ तो सुबह इसे 4 से 5 घंटे पहले भिगो दे रेसिपी बनाने की। अब हम पानी नितार के इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और जिस कटोरी से आपने चावल मेजरमेंट किया है उसी से आधा कटोरी सूजी डालेंगे और एक कटोरी दही डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम दही वाले बर्तन को धो के, और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच के बराबर चीनी। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं, बिल्कुल फाइन बैटर बनाकर तैयार करेंगे। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने जो चावल लिया है वो सॉफ्ट करके लिया है तो ऑलरेडी वो पानी छोड़ देता है। तो यह मैंने इस तरह का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था, फिर भी कितना पतला पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जिससे हमारा जो नाश्ता बनेगा वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और फुला फुला बने। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम इसमें बारीक कुटी हुई यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च लिया है मैंने, यह डाल देंगे। इसके साथ ही एक तड़का हम लगा के डालेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, इसमें डालेंगे राई, जीरा, हींग और कड़ी पत्ता, और यह गर्म तड़का ही हम बैटर में डाल देंगे। इससे आपका नाश्ता बहुत ही अच्छा फूला फूला सा बनता है। तो अब हम बाद में इसे तड़का नहीं लगाने वाले हैं, इसलिए हमने तड़का लगा के पहले ही बैटर में डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इनो। तो यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर इनो डाला है। इनो को एक्टिव करने के लिए पानी डालेंगे। अच्छी तरह से एक ही दिशा में हम फेंट लेंगे। मैंने जो जो स्टेप्स बताई है वीडियो में, यदि आप सारी स्टेप्स को फॉलो करके ये रेसिपी बनाएंगे तो आपका नाश्ता भी सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फूला फूला जालीदार बनकर तैयार होगा। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जिस बर्तन में, जिस प्लेट में या फिर केक टिन में आपको ढोकला जमाना है, उसे हम तेल लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से हम फैला देते हैं इसे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे हम, जिससे हमारा ढोकला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिखेगा। इस थाली को अब हम उबलते हुए पानी में रख देते हैं। आपको इसे स्टीम करना है सिर्फ 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमने पानी को पहले ही उबाल लिया और गैस का फ्लेम भी हम हाई रखेंगे। अब हम एक टमाटर की चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए 2 चम्मच के बराबर तेल लेंगे। इसमें हम डालेंगे उड़द की दाल 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच चना की दाल। जब इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम डालेंगे इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लाल मिर्च डाली है मैंने, इसके साथ ही 1 प्याज को इस तरह से लंबा लंबा कट करके डाला है। इसका फ्लेम आपको लो ही रखना है, अदरवाइज़ ये जो दाल है वो बहुत जल्दी लाल हो जाती है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके साथ ही टमाटर डाल देंगे 2 कटा हुआ। यदि आपके पास देसी टमाटर होंगे तो उससे स्वाद और भी अच्छा आएगा चटनी का। अब हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम, और इसे ढककर अब हम 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। अब ये अच्छी तरह से पक चुका है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हमारा जो ढोकला है उसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप इस तरह से टूथपिक डाल के देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन आ रही है। तो ये हमारा ढोकला बनकर तैयार है। इसे हम ठंडा होने के लिए बाहर रखेंगे। ये बहुत ही पतला बैटर इसमें फैलाया है थाली में, इसलिए 10 मिनट पकाया है। यदि आप बैटर की मोटाई ज़्यादा रखते हैं तो इसे 15 मिनट पकाइएगा। अब जो हमारे चटनी हमने बनाई थी उसे पीस लिया है हल्का सा। इसमें अब हम डालेंगे जीरा, हल्दी और चीनी, जिससे स्वाद बैलेंस हो जाएगा चटनी का, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम बिल्कुल बारीक इसे पीस लेते हैं। वाह, आप देख सकते हैं कि यह हमारी टमाटर की चटपटी साउथ इंडियन चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप इडली डोसा के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं इसमें हल्का सा तड़का लगा के डाल दूंगी ऊपर से, ताकि ये बहुत ही अच्छी दिखे। तो थोड़ा सा राई के दाना लिया है, उड़द दाल, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 1 लाल मिर्च ली है। लाल मिर्च का कम यूज़ किया है मैंने, क्योंकि मेरा बच्चा भी यह चटनी खाने वाला था। आप अपने स्वाद अनुसार या बच्चों के अनुसार यह चटनी में तीखापन के लिए मिर्ची डाल सकते हैं। तो यह हमारी चटनी बनकर तैयार है, और यह हमारा ढोकला भी ठंडा हो गया है। तो इसे हम कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि हमने इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है।
बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार फ्लफी बनता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से इसमें जाली आई है और कितना बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद भी बनकर तैयार हो जाता है। वाव, दिख रहा है ना रुई के जैसे सॉफ्ट, बिल्कुल फ्लफी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं या फिर हल्की से हरी धनिया को बारीक कट करके डाल दें, जिससे और भी ज़्यादा यमी दिखेगी। इसे तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने तड़का ऑलरेडी लगा के डाल दिया है इसमें। तो हमने जो चटनी बनाई है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। यदि आपके पास चटनी बनाने का टाइम नहीं है तो आप टोमेटो सॉस के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको यह फटाफट से बनने वाले चावल के नाश्ते की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। यदि आप इससे भी जल्दी और बिना इनो के ढोकला बनाना चाहते हो तो पालक बेसन का ढोकला जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा और फटाफट से बनेगा।